गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सब ग्रुप चैप्टर, है ना, तो सब ग्रुप चैप्टर से चार पांच थ्योरम हो चुका है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट थ्योरम है, इस सब ग्रुप का लास्ट लेक्चर भी, मे बी ये फिफ्थ लेक्चर है। तो देखिए सब ग्रुप पूरा कम्प्लीटली कर दिए हम, ग्रुप भी कम्प्लीटली कर दिए और पेपर सेवन का एक चैप्टर हम कम्प्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में है अवेलेबल सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स हैं, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। रही बात इस थ्योरम की, ये थ्योरम हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहता है। तो सब ग्रुप से ज़्यादा थ्योरम नहीं है, चार पाँच थ्योरम है, तो चार पाँच थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आपको रट्टा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेने से, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि सो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, जैसे कि हमारा दो सब ग्रुप है, मान लेते हैं कि ए और बी दो हमारे सब ग्रुप है, तो यूनियन जैसे ही उसका करते हैं तो क्या होता है कि हमें दिखानी होगी कि यूनियन जैसे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। बट कंडीशन है सब ग्रुप होगा, कब सब ग्रुप होगा, इफ एंड ओनली इफ बोला है, मींस दो पार्ट हमारा इसका बनेगा, प्रूफ में दो पार्ट बनेगा ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो इसको दिखानी है कि यूनियन करेंगे तो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर, मींस एक दूसरे में जब कंटेन किया हुआ रहेगा तब, ठीक है। और इससे पहले भी इंटरसेक्शन वाला किए थे, तो इंटरसेक्शन वाला में कोई कंडीशन गिवन नहीं था, यहाँ पे हमारा कंडीशन गिवन है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई करवानी होगी, ठीक है। ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो दिखानी होगी कि ए यूनियन बी करते हैं तो वो हमारा सब ग्रुप होता है। जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे ए कंटेन इन किस में हो जाएगा, बी में, और बी कंटेन इन ए में, देन हम बोलेंगे क्या कि ये हमारा सब ग्रुप है, ए यूनियन बी कर रहे हैं तो हमारा सब ग्रुप होगा। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना होगा, ठीक है, क्या कि ए कंटेन है बी में, बी कंटेन है ए में, मे बी हम एच वन एच टू ले सकते हैं, ठीक है। सब ग्रुप, सब ग्रुप एच से ही ज़्यादातर डिनोशन किए हैं ना पूरा इस चैप्टर में, ठीक है, तो एच से लेके कर देंगे, तो एच वन और एच टू करके देंगे। यहाँ पे हम बस एग्जांपल से समझा रहे हैं कि किस तरीके से करनी है, तो एक दूसरे को कंटेन करवा देंगे, देन हम प्रूफ कर देंगे कि ए यूनियन बी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब ग्रुप हो रहा। सेकेंड में कन्वर्सली क्या करेंगे, ए यूनियन बी को हम सब ग्रुप मानेंगे, देन हम प्रूफ करेंगे कि एक दूसरे में कंटेन क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ, है ना, तो दोनों करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, देखिए। और रही बात सेमेस्टर थ्री की, आप लोगों को ट्यूशन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, इस वजह से अभी तक हम स्टार्टिंग नहीं किए हैं सेमेस्टर थ्री का ट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और बहुत सारे वीडियोज़ में भी नंबर है, और प्लस इसके लिए स्पेशली एक वीडियो भी बनाया गया था, वो भी हमारे चैनल में अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं और नंबर ले सकते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या करनी है, तो सपोज करेंगे ना कि एच वन और एच टू दो जो रहेगा वो हमारा सब ग्रुप रहेगा, ठीक है। सपोज एच वन एंड एच टू क्या है, आर द टू सब ग्रुप, दो हमारे सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, टू सब ग्रुप्स ऑफ किसकी, तो ग्रुप जी की, ग्रुप जी की सब ग्रुप होती है ना, सब ग्रुप की डिफिनेशन पता है ना, जी जितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे सारे प्रॉपर्टी ये लोग भी सेटिस्फाई करेंगे, सब ग्रुप भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। बट क्या होगा, जो एच वन एच टू रहेगा वो सबसेट होगा, मीन्स कंटेंट रहेगा किस में, जी में, ठीक है, जी में लाई करेगा। ओके, तो लेट मान लेते हैं कि आइदर एच वन जो होगा वो कंटेन किया किस में, एच टू में, और एच टू जो कंटेन किया किस में किया है, एच वन में कंटेन किया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन माने कि एच वन कंटेन किया हुआ है एच टू में, और एच टू कंटेन किया हुआ है एच वन में, ठीक, ये कंडीशन हम माने, नहीं तो हमें प्रूफ क्या करनी होगी, देन तो जैसे ही कंटेन किया हुआ है, मीन समझ रहे हैं कि अगर हम एच वन यूनियन एच टू करते हैं, एच वन यूनियन एच टू, जैसे हमारा एच वन में इलेवन मान लेते हैं, वन टू थ्री है, और H2 में जो एलिमेंट मान लेते हैं वो हमारी क्या है, वन टू और थ्री ही है। देखिए यही है ना कि H1 में भी कंटेन किया हुआ है H2 में, या फिर H2 कंटेन किया हुआ है H1 में, इसी तरीके से हो सकता है ना, कंटेन किया हुआ मतलब क्या हो सकता है, वन टू थ्री, इस तरीके से एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि अगर हम यूनियन करते हैं, H1 यूनियन H2 करते हैं, तो एलिमेंट जो आएंगे वन टू और थ्री ही तो एलिमेंट आएंगे। देखिए यूनियन कर रहे हैं मीन्स सारा एलिमेंट आता है यूनियन में, है ना, तो वन टू थ्री आएगा, मीन्स क्या हुआ, एच वन यूनियन एच टू करते हैं तो क्या आता है हमारा, एच वन आ सकता है, एच वन ही लिख सकते हैं, एच वन में भी वन टू थ्री में भी लिख सकते हैं, इसको एच टू भी लिख सकते हैं, जो कि एच टू में भी वन टू थ्री ही एलिमेंट है ना,
तो और करके लिखेंगे क्या कि H1 यूनियन अगर H2 कर दें तो मे भी हो सकता है कि हमारा H2 रिजल्ट आ जाए, क्योंकि देखिए H2 के भी 11 तो 1 2 3 है, H1 के भी 11 तो 1 2 3 है, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है ना। तो अगर यूनियन करते हैं तो H1 हो सकता है, यूनियन करने से H2 भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन देखिए H1 और H2 जो सिंपल है वो क्या है कि सब ग्रुप है किसकी, जी की। तो देखिए यूनियन करने से हमारा सब ग्रुप नहीं आ रहा है, यूनियन करने से हमारा सब ग्रुप नहीं आ रहा, आ रहा है जी, क्यों नहीं आ रहा। देखिए H1 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि वो हमारा सब ग्रुप है। तो देखिए सब ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ होता है यहीं पे, ठीक है। देखेंगे हेंस हेंस H1 यूनियन H2 क्या हो गया, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी की, हमारी सब ग्रुप हो गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। देन अब आती है बात कन्वर्सली, देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में लिखेंगे तो इस तरीके से एक प्रूफ करेंगे, फिर कन्वर्सली करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्सली लिख रहे हैं, सपोज मान लेते हैं क्या है कि H1 यूनियन जब H2 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हमारा सब ग्रुप हो रहा है, ठीक है। H1 H2 इज अ सब ग्रुप। सपोज किए कि H1 और H1 यूनियन H2 कर रहे हैं तो वो हमारा सब ग्रुप हो रहा है, देन हमें क्या प्रूफ करनी होगी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ से लिख रहे हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, दैट क्या प्रूफ करनी होगी। तो अभी तक तो पता चल गया होगा कि हमें प्रूफ क्या करनी है, आइदर H1 जो है वो कंटेन करनी चाहिए H2 में, या फिर और आइदर और होता है ना, H2 जो होगा वो कंटेन करना चाहिए किसमें, H1 में, ठीक है। यही हमें प्रूफ करनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, नीचे दिख जाएगा ना, हाँ दिख जाएगा, लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूम करेंगे दैट H1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ये हमारा सबसेट का ही सिंबल होता है ना कि कंटेंट क्या हुआ, मतलब सबसेट होना, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि H1 जो होगा इज नॉट अ सबसेट ऑफ किसकी, H2 की सबसेट नहीं होगी, बट हमें ये प्रूफ करनी है तो हम उल्टा मान लेंगे, ठीक है। सबसेट ऑफ H2, H2 की सबसेट नहीं है, एंड H2 जो है वो सबसेट नहीं है किसकी, H1 की सबसेट नहीं है, हम ऊपर इरेज कर दे रहे, ठीक है। ओके अब तो लिख लीजिए इधर, देखिए लेट अस एज्यूम दैट H1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ H1, H1 की सबसेट नहीं है, H2 जो है वो क्या है, H1 की सबसेट नहीं है, ये हम माने हुए हैं, ठीक है। देन तो क्या होगा, तो अगर सबसेट नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस H1 is not a subset of H2. H1 is not a subset of H2. अगर H1 H2 का subset नहीं होता है, therefore there exist first part, ठीक है, there exist क्या करेंगे, A अगर belong कर रहा है हमारा H1 में तो subset नहीं है, H1 जो है वो सबसेट नहीं है, तो क्या A जो होगा वो हमारा H2 में बिलोंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। सबसेट मतलब पता है ना, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट माने कि H1 जो है वो सबसेट नहीं है H2 की, ये हमारी H2 है और यहाँ पे H1 नहीं है, कहीं और भी हो सकता है, मे भी हमारा हो सकता है H1 यहाँ पे हो, ठीक है। इसके सबसेट होना मतलब इसके अंदर लाइक करना, तो इसके अंदर लाइन नहीं कर रहा है। तो अगर इसमें A एलिमेंट है तो क्या ये एलिमेंट इसमें हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, हो सकता नहीं, हो सकता है ना। सच दैट लिखेंगे, सच दैट A जो होगा वो डज नॉट बिलोंग टू H2, कभी भी H2 में बिलोंग नहीं कर सकता, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। इसी तरीके से H2 वाले भी एलिमेंट्स लिखेंगे, सिंस H2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ H1 के सबसेट नहीं है। अगर हम H2 में कोई एलिमेंट लेते हैं तो क्या वो H1 में लाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हुआ तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट मान लेते हैं B कोई एलिमेंट है जो कि हमारी H2 में लाई कर रहा है, तो सच दैट क्या होगा,
सिमिलरली क्या होगा, बी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किसमें, एच वन में बिलोंग नहीं करेगा, इससे इक्वेशन टू कंसिडर कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, देन इसे हम इरेज कर दे रहे नीचे, तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। अब मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, जो मेरे साथ नहीं लिख पाते हैं तो उनके लिए हम छोड़ देते हैं थोड़ा, ताकि वो अगर पीछे है तो लिख सकते हैं। ठीक, रही बात मेरे नए मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है ना वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग के फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए। नाउ इसके बाद क्या करनी है, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम वन एंड टू, जो इक्वेशन वन है एंड टू है, वी हैव क्या होगा कि देखिए ए हमारा जो है, जो ए हुआ ना स्मॉल ए, ठीक है, तो स्मॉल ए जो है वो एच वन में है और एच टू में नहीं है। अगर हम यूनियन करते हैं, ठीक है, तो ए जो होगा वो दोनों में लाई करेगा ना। यूनियन मीन्स क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स लेते हैं ना, तो ए जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, तो एच वन यूनियन एच टू में तो बिलोंग करेगा, करेगा ना। यूनियन मीन्स क्या हुआ कि एच वन और एच टू में बिलोंग करेगा। एंड बी भी जो होगा वो कहाँ होगा, तो वो हमारा एच वन यूनियन एच टू में तो बिलोंग करेगा, यूनियन में बिलोंग करेगा ना। देन लिखेंगे सिंस एच वन एंड एच टू इज अ सब ग्रुप है, सब ग्रुप माने हुए ना, एच वन और एच टू जो होगा वो हमारा सब ग्रुप है, दो सब ग्रुप था ऑलरेडी, ठीक है, तो एच वन एच टू सब ग्रुप है, मीन्स क्या होगा, बट सॉरी बट नहीं देयरफॉर लिखिए, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा कि सब ग्रुप है, मीन्स ए बी इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, मीन्स ए और बी दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं, दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, यही दोनों एलिमेंट लिए, ठीक है, और दोनों के बीच में जब ऑपरेशन करवाएंगे तो रिजल्ट में भी कुछ भी दे दे, रिजल्ट दे दे सी, ठीक है, अब वो कहाँ बिलोंग करेगा, तो इसी यूनियन में बिलोंग करेगा ना, एच वन यूनियन एच टू का अगर लेते हैं यूनियन, तो यूनियन में बिलोंग करेगा, मीन्स किसी में बिलोंग कर रहा है, ये रिजल्ट में भी एच वन में कर रहा हूँ, मैं भी एच टू में कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसकी जो रिजल्ट होगी मतलब यूनियन जब करेंगे तो यूनियन में तो बिलोंग करेगा ना। यूनियन मीन्स क्या होता है, सारा एलिमेंट कवर कर लेना, ठीक है, तो यूनियन में बिलोंग कर रहा है, बट ए बी इक्वल टू क्या है हमारा, सी है, जो कि बिलोंग कर रहा है किस में, एच वन यूनियन एच टू में बिलोंग कर रहा है, ये इम्प्लाइज करेगा सी बिलोंग कर सकता है मे बी किस में, ये जो सी रिजल्ट है अभी जस्ट बताए कि सी मे बी बिलोंग कर सकता है एच वन में, सी मे बी बिलोंग कर सकता है एच टू में, ठीक है, तो सी मे बी बिलोंग कर सकता है एच वन में, और जो रिजल्ट होगा वो बिलोंग कर सकता है मे बी एच टू में बिलोंग कर सकता है। उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्या हो रहा पता चल रहा होगा, ठीक है। देन तो सपोज मान लेते हैं ए बी इक्वल टू सी जो है वो बिलोंग कर रहा है एच वन में, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी, सपोज कर लिए कि ए बी इक्वल टू सी जो रिजल्ट हो रहा है वो हमारा एच वन में बिलोंग कर रहा है, तो एच वन में बिलोंग कर रहा है मीन्स हमारा ये जो इम्प्लाइज करेगा, क्या इम्प्लाइज करेगा, हम बी के यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या बच्चे, बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी, और ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए लिख सकते हैं ना बिलोंग्स टू एच वन, इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट हम सपोज किए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एंड देन इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी और ए इनवर्स लिख सकते हैं ना, वन बाई ए को क्या लिख सकते हैं, इनवर्स, अब बिलोंग्स टू हमारा एच वन होता है, इस तरीके से होता है, ठीक। नाउ तो देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे एच वन इज अ सब ग्रुप, सब ग्रुप है ना, देख सकते हैं ना, एच वन जो है वो हमारा सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप है मीन्स हमारा क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होती है ना, एच वन जो होता है वो हमारा सब ग्रुप ही होता है, ठीक है, एच वन सब ग्रुप, एच टू सब ग्रुप, ठीक, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया था। देन तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, कैसे, क्योंकि बोला गया था कि बी जो होगा वो हमारा एच वन में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर आप इक्वेशन इक्वेशन टू देखिए,
बी जो है वो बोला गया था कि H2 में बिलोंग कर रहा है और H1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट हम दिखा नहीं, बी जो हो रहा है वो हमारा H1 में बिलोंग कर रहा है। मीन्स क्या हो गया, हमारा कंट्राडिक्ट नहीं हो गया क्या? जो हम सपोज किए थे वो हमारा गलत था, मीन्स जो थ्योरम बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ठीक है, कंट्राडिक्ट करके भी अब बनाना होगा, आगे चल के बहुत सारे थ्योरम बनाने हैं तो कंट्राडिक्ट करना होगा। ठीक है, जो बोला गया है वो नहीं मान के हम दूसरा चीज मानेंगे और दिखा देंगे जो हम माने वो गलत है, तो वो गलत है मीन्स हमारा थ्योरम सही है। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। तो इक्वेशन 2 में देखे होंगे कि बी जो है वो हमारा किस में लाई कर रहा था, H2 में लाई कर रहा था बी, लेकिन H1 में लाई नहीं कर रहा था। अब दिखा दें यहाँ पे जो बी है, बी इक्वल टू दिस है ना, तो बी इक्वल टू दिस, तो बी बिलोंग कर रहा है किसमें, H1 में बिलोंग कर रहा है, जो कि इक्वेशन 2 से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, जो हम सपोज किए थे दैट क्या किए थे कि H2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ H1, नॉट अ सबसेट ऑफ H1, H1 की सबसेट नहीं है, H2 जो है वो H1 की सबसेट नहीं है, तो वो हमारा कंट्राडिक्ट हो गया, वहीं से आया था ना, तो ये हमारा कंट्राडिक्ट हो गया, हेंस H2 इज अ सबसेट ऑफ H1 हो जाएगा, हेंस H2 इज अ सबसेट ऑफ H1, H1 की ये हमारी सबसेट हो गई। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिए कि H2 जो होगा वो सबसेट हो जाएगा H1 की, दैट इज हम बोल सकते हैं क्या, हमें प्रूव करने के लिए क्या दिया गया था, H2 जो होगा वो सबसेट हो जाएगा H1 की। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा कि हमें दोनों चीज़ दिखानी है, सिमिलरली करके लिखेंगे H1 जो होगा वो सबसेट होगा किसका, H2 का सबसेट हो जाएगा, होगा ना। तो इसी तरीके से जैसे कि हम ये दिखाए ना, H2 वाला टर्म दिखाए, इसी तरीके से सिमिलरली करके लिखनी है और H1 सबसेट करनी है H2 की, ये हम करवा दें क्या, हम ही करवा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली करके लिखिए, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं कि H1 जो होगा वो सबसेट हो जाएगा H2 की। ठीक है, और प्रूफ करके ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इसको पूरा थ्योरेटिकली लिख सकते हैं तो 10 मार्क्स ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली करके लिखेंगे क्या, देखिए जैसे कि यहाँ पे माने थे ना सी बिलोंग कर रहा था किसमें, H1 में बिलोंग कर रहा था ना, यहीं पे सपोज कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है ए बी इक्वल टू सी किस में बिलोंग करेगा, अब H2 का ले लेते हैं। ठीक है, H2 के टर्म्स ले लेके ली, ए बी इक्वल टू सी बिलोंग करेगा किसमें, H2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, H2 में बिलोंग करेगा नाउ। तो अब देखिए वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे बी दिखाना था, बी जो है वो क्या था कि इक्वेशन 2 में बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा था H1 में, बट हम यहाँ पे दिखा दिए। इसी तरीके से ए जो है वो बिलोंग किस में नहीं कर रहा था, तो H2 में बिलोंग नहीं कर रहा था, बट हम यहाँ दिखा देंगे कि ए जो होगा वो H2 में बिलोंग करेगा। कैसे, तो हम ए इक्वल टू सी बाई में बी लिखते हैं, बिलोंग्स टू किस में, H2 में। ठीक है, H2 में बिलोंग कर रहा है, देन यस करते रहे ऊपर, बस थोड़े से लिखनी थी ना, तो थोड़े से लिख देंगे एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देन तो ये इम्प्लाइज कर रहा है ए इक्वल टू सी और बी इनवर्स बिलोंग्स टू किस में, H2 में, सिंस H2 इज अ सब ग्रुप। तो देखिए ए बिलोंग करवा दी है H2 में, जो कि इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या था कि ए बिलोंग नहीं कर रहा था H2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे This contradict our supposition that H1 is not a subset of H2. Subset of H2. Hence, H1 is a subset of किसकी, तो H2 की, H2 की सबसेट हो गई, दैट इज हम बोल सकते हैं कि H1 जो हो गया वो सबसेट हो किसकी, H2 की। ठीक है, तो ये हमारे थ्योरम यहाँ तक पूरा कंप्लीट होता है, दिस इज प्रूव्ड।
डाउट हो गए थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे ना वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि थ्योरम किस तरीके से प्रूव किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है, कितने अच्छे से समझाया जाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।